मैं 3-4 महीना हो गया लग रहा है बालकों को वेज बिरयानी नहीं खाया हूँ। भाई आ गया अपना नाश्ता, तो ये पूरा लहरा रहा है। एक गाड़ी जो ऐसे ऐसे हो रहा है हैंडल छोड़ने में ना, इसका ये ज़्यादा इन लोगों में रास्ता दे दिया भाई, नहीं तो लोग गाड़ी पलट जाता ना। और तगड़ा खर्चा हुआ है इस बार गाड़ी में। उस मुंडा में ना हमेशा काली गाड़ी दिखती रहेगी आपको। सो गुड मॉर्निंग, आज है 5 सितंबर 2024 और मैं अभी जा रहा हूँ अपने स्कॉर्पियो का ना। हम लोग क्या है ना, बनारस गए थे हुए थे और बनारस से इधर उधर घूमते इधर उधर होते होते ना बीच में स्टेयरिंग का काम करवाया था, बट अचानक फिर से स्टेयरिंग का काम आ गया है। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है गाड़ी जो ऐसे ऐसे हो रहा है हैंडल छोड़ने में ना, इसका ये ज़्यादा बबलिंग कर रहा है स्टेयरिंग और थोड़ा लेफ्ट साइड खींच रहा है। हालांकि वहाँ पर सर्विस सेंटर में महिंद्रा हर्ष सर्विस सेंटर जो चंदौली में है वहाँ पर इसको दिखवाया था, बट फिर भी वापसी में आते डते ना ये प्रॉब्लम फिर से जनरेट हो गया। तो अभी निकल गया हूँ मैं कोरबा के लिए। आज है 5 सितंबर 2024 और दिन है गुरुवार। तो अपने अपने उस मुंडा को भी ख़तरनाक रोड से होते हुए निकल रहा हूँ मैं। 8:30 बज रहे हैं, पहुँच जाऊँगा करीब 9 बजे तक पहुँच जाऊँगा। 9 बजे खुलने का टाइम ही रहता है सर्विस सेंटर का, लोग पहले से आते, बट काम जो है ना 9:30-10 बजे चालू होता है। तो अभी नाश्ता किया नहीं हूँ, देखता हूँ वहीं कहीं कोरबा में नाश्ता कर लूँगा। उसके बाद फिर आज मेरा लग रहा है दिन भर या फर्स्ट हाफ जो है ना कोरबा में ही बीतेगा। रेलवे का साइडिंग है ये हो रहता है। इस रोड में जो आ गया कुसमुंडा रोड में ना, उसको झूला झूलने की जरूरत ही नहीं है। कुसमुंडा रोड उसको इतना झूला झुलाता है सारा। कब से मैं हिल रहा हूँ, सोचा एक वीडियो बना ही लेता हूँ ऐसा, फिर ऊपर फिर नीचे। मतलब इस गाड़ी में पता नहीं चल रहा है, बस ऐसे ऐसा डोल रहा है गाड़ी। बहुत खराब रोड है भाई कुसमुंडा का ना, कभी नहीं सुधरेगा ऐसा लग रहा है। कईयों साल से ऐसी रोड चल रहा है, ऐसी लोग बर्दाश्त झेल रहे हैं। यहाँ पर एक ब्रिज बनने का है, बट देखो कब बनता है। वो साला सीट बेल्ट ठप 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 कर रहा है, अपना अलग ही उसको धुन में है वो। एक्चुअल में रोड ही बहुत ख़राब है ना। इन लोगों में रास्ता दे दिया भाई, नहीं तो लोग गाड़ी पलट जाता ना तो कल के पेपर में छप जाता, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा है। सो मैं नहीं चाहता था कि हमारे कुसमुंडा के लोग पेपर में छप जाएँ कि गाड़ी पलटी और कुछ लोग दब गए। क्या है ना, ये लोग डेली वर्कर्स है जो हैं गाड़ी के ऊपर चढ़ के जाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह शिफ्टिंग होते हैं वर्क के लिए। अभी समझ में आ गए, हाईवे है ना, इसमें स्टेयरिंग ऐसे ऐसे हो रहा है। मतलब अब देखो लेफ्ट साइड जा रहा है, पूरा उधर चला गया। इसको मैं बीच में लेके आऊँगा, इस किनारे में लेके आ जाता हूँ और अब छोड़ दूँगा हैंडल, ये उस साइड चल देगा। लेफ्ट साइड जा रहा है, गया चला गया है ना। तो ये प्रॉब्लम आ रहा है मेरी गाड़ी में बार बार। मतलब मेरे को इसको पकड़ के रखना पड़ता है कि इधर उधर मत भाग, भागे जा रहा है। उसको आज हम दिखाते हैं क्यों भाग रहा है भाई इधर उधर। मेरे को ऐसा लग रहा है कि वही टायर का प्रॉब्लम था, जो टायर मेरे को लग रहा है टायर एयर ले लिया है वो बम्पी रोड के कारण। तो हो सकता है अपोलो टायर को हम लोग चेंज करना पड़े, और बाकी तो सर्विस सेंटर वाले बताएंगे। स्टेयरिंग का भी मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लग रहा है, स्टेयरिंग में ही होगा ऐसा फील हो रहा है। मेरे को बार बार इधर लेफ्ट साइड खींच रहा है बार बार। भाई आ गया अपना नाश्ता, पहले हम डोसा खाएंगे, उसके बाद हम दिन भर बिताएंगे महिंद्रा सर्विस सेंटर में। यहाँ का डोसा भी ना बढ़िया रहता है, काफ़ी उसके मुकाबले ठीक वो है, बट अच्छा है खाने लायक। तो मेरा नाश्ता हो गया है, फाइनली निकलता हूँ महिंद्रा सर्विस सेंटर के लिए और यहीं पे नाश्ता किया हूँ। कभी तो और अच्छे ही लगता है यहाँ। राजदीप के यहाँ अपना कोरबा का चौक है, यहाँ गाड़ी पार्क कर दिया था। निकलते हैं डायरेक्ट सर्विस सेंटर में, मेरे को लग रहा है 9 से ज़्यादा ही हो रहा है अब टाइम, गाड़ी को लगाना पड़ेगा पार्क। सात नंबर टेस्ट ड्राइव ले जाएंगे, ठीक है। सात नंबर है ना ये वाला, 7 नंबर। गाड़ी में लगा दिया अभी, अपॉइंटमेंट नंबर 7 नंबर है अपॉइंटमेंट का। ट्रायल हो गया है, प्रॉब्लम जो है गाड़ी का टायर का ही बता रहे हैं। अभी जा रहे हैं गाड़ी को ऊपर चढ़ा के मशीन में देखेंगे कि कौन कौन सा टायर ख़राब है इसका, उसके बाद चेंज करने का प्रोसेस चालू होगा। यार
मिनी देखो तो जरा। अभी बोल रहे हैं कि पूरा चारों चक्का चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ना दो चक्का बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये यहाँ जैसे दिख रहा है ये दाना दाना ना यहाँ पर पूरा दब गया है, चिकना हो गया है ना, ये सब दाना दाना, तो ये पूरा लहरा रहा है। चारों टायर कराना है, पूरा गाड़ी चेक करने के बाद डिसाइड ये हुआ है ना कि दोनों टायर चेंज करेंगे। दो टायर चेंज होगा, ये नया नया टायर है अपोलो का, यही दोनों जो है ना अभी नया गाड़ी में लगेगा। अभी बन अभी इसका रिंग चेंज करने को, जो पुराना का पुराना चक्का हुआ है उसमें का टायर निकाल के इसको फिट करेंगे। गाड़ी खड़ा है उधर अंदर में, ये दोनों टायर हैं। तो ये दोनों जो है नया टायर लग रहा है अपोलो का, हर महीना लोग कुछ नया डिजाइन आता है। अभी ये आया है उबरा वाला अपोलो, नया ग्रिप अब शायद बबलिंग नहीं करेगा नया लगने के बाद, जब लगा रहे हैं टायर। अब गाड़ी अलाइनमेंट होने जा रहा है, तो अभी नया टायर लगने के बाद में इसका अलाइनमेंट सेट कर रहे हैं। जितना जो गाड़ी का स्टीयरिंग अलाइनमेंट रहता है, जो जो उसके रहता है ना उसको बैठाने के लिए नया टायर लगा हुआ है गाड़ी में, और ये कंप्यूटर में इसका अलाइनमेंट सेट कर रहे हैं। सामने चक्कर पहुँचा है। फाइनली मैं एजेंसी से निकल रहा हूँ और पानी गिर रहा है और तगड़ा खर्चा हुआ है इस बार गाड़ी में, लमसम बता नहीं सकता मैं। एक टायर का कॉस्ट बहुत हैवी आया और मेरे को लगा था कि ना बाकी जो टायर हैं दो टायर वो हो जाएगा चेंज हो जाएगा, बट एक्चुअल में ना जब उसमें एयर आता है ना, एयर आता है तभी चेंज होता है, और पानी अंदर आ रहा है, एयर आता है तभी चेंज होता है, और एयर जो है नहीं आया है, एक्चुअल में पूरा टायर ही घिस गया है। सो फिलहाल ये है अपना, इसको वाइपर चालू करता हूँ तो पहले चाबी लगाना पड़ेगा। अंधेरे में चाबी लगाना मुश्किल है। चालू हुआ तो ये है अपना कोरबा का महिंद्रा ऑटो सर्विस सेंटर, और अब मैं निकलता हूँ यहाँ से। सो यार कोरबा में घनघोर बारिश चल ही रहा है, वाइपर से चालू करके देखते हैं। और मुझे ना बहुत ज़ोर से भूख लग रहा है, बट मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं क्या खाऊं। अगर मैं खाता तो मैं 3-4 महीना हो गया लग रहा है बालकों को वेज बिरयानी नहीं खाया हूँ, बट मेरा खाने का ना वहाँ इच्छा नहीं हो रहा, जाने का भी इच्छा नहीं हो रहा है। इतना दूर से खाने के नाम से जाना सही नहीं है, और घर में ना मिले बना नहीं होगा क्योंकि मम्मी जानती है कि मैं अगर घर बाहर में हूँ तो बाहर से ही खा के आऊँगा। मेरी मम्मी का भी यही कहना रहता है, मम्मी जान भी रही है, ऑब्जर्व किए बहुत दिन से मेरे को कि अगर ये बाहर में है तो जब जाता हूँ घर तो कुछ खाता नहीं, मम्मी जान जाती है कि बाहर से खा के आया है। सो डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ मैं क्या खाऊँ, और बारिश भी हो रहा है और पेट भी थोड़ा थोड़ा भरा भरा लग रहा है। बाकी देखता हूँ क्या खाता हूँ, कुछ खाऊँ या नहीं खाऊँ समझ नहीं आ रहा, तो घर चला जाऊँगा। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं यार, चैनल में कुछ भी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।